रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Nobaflix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और इंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें Nobaflix प्ले स्टोर से। क्या आप दृष्टि बाधित हैं और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है? क्या आप अविवाहित हैं और आपके पास है वैध विकलांगता प्रमाण पत्र? तो ये आपके लिए हो सकता है सुनहरा मौका। 16 फरवरी 2025 को पंचकुला में होने जा रहा है रेडियो डान मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट। दृष्टि बाधित समुदाय में प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का उत्सव। इस ब्यूटी पेजेंट में टोटली ब्लाइंड और लो विजन पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं 21,000 रूपए तक का कैश प्राइज। उप विजेता को मिलेगा 11,000 का प्राइज और साथ ही सभी विजेताओं को मिलेगा भरपूर मीडिया एक्सपोजर और रिकग्निशन। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना 1 मिनट का वीडियो बनाएं और 31 अक्टूबर 2024 से पहले हमें सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें radioudan.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9463668196 पर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट के लिए और चमकने का ये मौका ना चूके। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का शो हम सबके लिए बहुत खास है और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। एक्सेसिबल मूवीज कौन नहीं चाहता है, खासतौर पे जब हम बात करें डिसेबिलिटी सेक्टर की। पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है इस पे, लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो उस तरह के रिजल्ट इंडिया में नहीं आए हैं जिस तरह के आने चाहिए थे। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट बना है, एक मूवीज की एक्सेसिबिलिटी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पुश किया गया कि आप गाइडलाइंस निकालें। कई एनजीओस का, कई इंडिविजुअल्स का इसमें बड़ा योगदान रहा। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी का अहम रोल रहा जिसका नाम है एक्सेल सिनेमा। उन्होंने और भी कई तरह के सॉल्यूशन आपके लिए रखे, Nobaflix लॉन्च किया जिस पर आप जाके कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मूवी देख सकते हैं। एक्सेल सिनेमा ऐप कि आप थिएटर में जाके मूवी को देख सकते हैं, जो भी एक्सेल सिनेमा पर मूवीज अवेलेबल होंगी आपको ट्रैक डाउनलोड करना है और आप उस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट मूवी जिगरा उसके ऊपर अवेलेबल है और आने वाले दिनों में दिवाली स्पेशल सिंगम रिटर्न्स या सिंगम अगेन आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ना तो जिगरा मूवी को लेके है ना ही सिंगम अगेन को लेके है। आज हम ब्रॉडर टॉपिक पे बात करेंगे जो 15 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें तमाम मूवीज को, तमाम फीचर मूवीज को एक्सेसिबल बनाने की बात की गई है। अब थिएटर में ये मैंडेटरी है कि आपको मूवीज जो भी आप रिलीज करोगे वो एक्सेसिबल होनी चाहिए फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। लेकिन धरातल में क्या ये पॉसिबल है? क्या इंडस्ट्री इतने जल्दी से मान जाएगी? क्या और प्लेयर्स भी आएंगे? एक्सेल सिनेमा किस तरह से अपना रोल अदा करेगा? ये गाइडलाइंस है क्या? डिटेल में बात करेंगे हमारे साथ एक्सेल सिनेमा के को-फाउंडर, AI युग के फाउंडर, आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड में आप लोगों ने डाउनलोड भी की होगी और बहुत सुना भी होगा, उस ऐप को डिजाइन करने वाले शख्स मिस्टर कुणाल प्रसाद जी हैं। कुणाल सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी। सबसे पहले कुणाल जी हमें बताएं कि इन गाइडलाइंस के पीछे आप लोगों की कितनी मेहनत लगी है और जब ये गाइडलाइंस आई हैं तो आर यू सेटिस्फाइड? कहते हैं ना कि मेहनत ये एक दिन की नहीं है। लिटरली जिस समय राइट फॉर पब्लिक विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को आया था और ये 2017 में नोटिफाई हुआ था, उस समय ही इस गाइडलाइन का एक तरह से शिलान्यास हो गया था, रास्ता खुल गया। ठीक है, ये देर आया
नहीं कह सकता हूं दुरुस्त आया, पर हां देर आया, और देरी भी हुई तो 8 साल की देरी हुई। ठीक है, इस दौरान काफी बार हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, हर मिनिस्टर्स के पास जा करके हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रोडक्शन कंपनीज में रिप्रेजेंटेशन दिया, रिक्वेस्ट किया, काफी कुछ खुद अपने अकेले दम पे करने की कोशिश की, जो 2018 में था। 2018 में जब हमारा प्रोडक्ट एक्सेल सिनेमा मार्केट में आ चुका था, हम लोगों ने इसके ऊपर ऑडियो डिस्क्रिप्शन होस्ट और डिस्ट्रीब्यूट इवन जाकर के क्रिएट फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया प्रोडक्शन हाउसेस, और वो भी एक दो नहीं, शायद 12-15 मूवी लगातार। स्टार्टिंग हुई उसकी संजू से, संजू 1 अगस्त 2018 के आसपास थिएटर में एक्सेसिबल फॉर्मेट पे एक्सेल सिनेमा के ऊपर चली थी। उसके बाद अंधाधुन, रॉ, दबंग 3, मणिकर्णिका और हैग्ड, ठाकरे, ऐसी कई मूवीज बैक टू बैक हम लोगों ने किया। हम चाहते थे प्रोडक्शन हाउसेस को अवेयरनेस, हम चाहते थे कम्युनिटी में अवेयरनेस, सरकार को ये दिखाने की हमारी जिद थी कि ये पॉसिबल है, क्योंकि उससे पहले जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, जिसमें डॉल्बी और सोनी जैसी कंपनी अपनी एक हार्डवेयर डिवाइसेस सेल करती थी, जिसको असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस बोलते हैं। इंडिया में एक डिवाइस का प्राइस ही 3 लाख रुपए हो जाता था। अब एक थिएटर में कितना डिवाइस रख सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे उसके अराउंड, जो फिजिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन उठा देता था। तो फिजिबल टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज करने में हमने 1-1.5 साल लिया और दिखाया लोगों को कि हाँ। और इसमें सिर्फ हमने दिखाया क्या, एक्चुअली मैं बोलूंगा कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो भी आए। मुझे मालूम है, मुझे देख करके लगता है मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ मीडिया से, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता था किस तरह विजुअली इम्पेयर्ड बेचारे वो ऑटो से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं मूवी को देखने के लिए। दबंग 3 हमने मुंबई में जब स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं, नॉर्मल स्क्रीनिंग रखी थी, लेकिन उस दिन हमने बोला था सब मिल करके देखेंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी उस समय, वो भी उसमें साथ दे रही थी कि बुलाने में इन लोगों, किसी को कोई मेरे अंदाज से टिकट का पैसा नहीं दिया गया, पर वो पहुंचे वहां पे और खुद अपने परिश्रम से पहुंचे, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था, एक तो इक्वालिटी का, दूसरा इसको एक्सपीरियंस करने का कि आफ्टर ऑल थिएटर में पिक्चर लोग जाके देखते कैसे, मजा क्या आता है, वो पॉपकॉर्न की सुगंध क्या होती है, ये सारी चीजें उनको जाननी थी। और वो खुद आए, आकर के देखा, ऐप को यूज किया, ऐप को यूज करने के बाद इंजॉय किया पूरी मूवी, इंटरव्यू इंटरवल में मेरे से बातें हुई काफी, और वो लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ये तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिबिलिटी इससे प्रूफ की। उस समय मिनिस्टर थे राजवर्धन सिंह राठौर, उनसे जाकर के हम मिले, उन्हें जाकर के बताया, पर उसके बाद अचानक क्या हुआ, गवर्नमेंट में उनके बाद मिनिस्ट्री चेंज हो गई, फिर प्रकाश जावड़ेकर जी बन गए, फिर प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले, उनको बताया, उनको भी बताने के बाद उन्होंने एक लेटर भी इशू किया था सारे प्रोडक्शन हाउसेस को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप सुओ मोटो इस चीज को करो, कि गाइडलाइन की जरूरत नहीं। एक्चुअली गाइडलाइन तो आप समझिए एक छोटी चीज है, मेन तो वो एक्ट है। बिल्कुल, गाइडलाइन खुद में पावर नहीं है। बिल्कुल, पावर वो एक्ट से लेता है, और उस तो इसीलिए उन्होंने भी एक लेटर लिखा सबको। लेकिन फिर कोविड का दौर चालू हो गया, और कोविड के दौर में जब नॉर्मल थिएटर ही नहीं चल रहे थे तो फिर तो ये एक तरह से स्टोरी खत्म हो गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने पठान मूवी के समय यशराज पे केस कर दिया, और उस दौरान क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता था डायरेक्ट केस करने में, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि हाँ मैं जितना रिक्वेस्ट करके चीजें निकाल सकता हूं और प्रूव करके निकाल सकता हूं, लेकिन हाँ मैं जिन्होंने केस किया मैं उसको गलत भी नहीं ठहराता। और फिर मैंने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट इन द सेंस क्या किया कि उन्होंने जब अपने पिटीशन में लिखा कि ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, तो कोर्ट में मुझे बुलाया गया ये बताने के लिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं तो सही बोलूंगा, सच बोलूंगा। बिल्कुल, और मैंने बताया कि हाँ सर ये पॉसिबल है, माय लॉर्ड ये पॉसिबल है, और सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, ये हमने करके दिखाया,
इससे उस केस में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि सामने वाले पक्ष का यह कहना था कि ऐसी कुछ चीज है ही नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसको रिफ्यूट करने में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, हमने कोर्ट को बढ़ चढ़ करके बताया कि हाँ ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, अगर ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमने किया है, और हजारों हजारों के तादाद में विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली डिसेबल पीपल गए हैं थिएटर और उन्होंने इसको एंजॉय किया है। तो ये कोई मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट सर रॉकेट साइंस तो है वो, अच्छा, मैं अलग अलग आंसर पे आऊंगा। सिंक्रोनाइजेशन टेक थोड़ा रॉकेट साइंस है, नहीं वो तो आपने कर लिया ना अचीव, जब अचीव कर लिया। मैं ये कहूंगा कि ये हाइपोथेटिकल या कोई ख्वाबों में सॉल्यूशन नहीं है, ये सामने प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप देख लो ये चल रहा है। तो हमने इस तरह से पिटीशन में बिल्कुल साथ दिया और पूरी लड़ाई में फिर साथ देते रहे, और कोर्ट के निर्देश के बाद गाइडलाइन के लिए स्टेक होल्डर मीटिंग्स हुई, उसमें फिर कंट्रीब्यूट किया, हमारे कंट्रीब्यूशन को बहुत कम लिया गया, अगर लिया जाता तो शायद गाइडलाइन इस फॉर्मेट में नहीं, इससे बेहतर फॉर्मेट में आता। एक एक चीज मांगी लोगों ने, क्या होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए। स्टेक होल्डर मीटिंग में हमें लगता था अच्छी बात है, हम लेटर पे लेटर लिख करके देते थे और हम सोचते थे इसमें से कुछ तो पार्ट चला जाएगा, पर जब देखा गाइडलाइन तो समझा कि हाँ फॉर्मेलिटी अच्छी हुई है, कामों को किस तरह से फॉर्मेलिटी के तहत किया जाता है वो अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि इतने नकूने छोड़े गए, एक दो नहीं। जब हम इस पे बात करते हैं, नहीं बिल्कुल इस पे ही बात करते हैं, तो एक कहते हैं कि कोई भी जो एक्ट होता है हा? वो कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रॉपर आए, करेक्ट, लेकिन गाइडलाइंस में ऐसा नहीं होता, गाइडलाइंस में काफी हद तक हमें देखने को मिलता है कि चीजें मिलती हैं हमें, बिल्कुल, क्योंकि गाइडलाइन अपने आप में कुछ लीगल नहीं है, जैसे आपने बताया उसकी जो पावर है वो एक्ट से आती है, बिल्कुल, तो अपने आप में गाइडलाइंस किसी को डिक्टेट नहीं करती है या मैंडेट नहीं करती है, बिल्कुल। अब ये बताएं कि आपने दो बार कहा, एक बार आपने कहा कि भाई देर भी हुई लेकिन दुरुस्त फिर भी नहीं हुआ, अब आपने कहा कि फॉर्मेलिटी आई है, बिल्कुल, क्या फॉर्मेलिटीज हैं? तो कहा तो है उन्होंने सभी हाउसेस को कि भई आप इसे बनाएं, आप एक्सेसिबल करें, तो क्या पॉइंट्स आप लोगों ने जो दिए थे वो इंक्लूड नहीं किए गए, और कहां आपको लगता है कि ये फॉर्मेलिटी है, और क्या लूफॉल इसमें छोड़े हैं इंडस्ट्रीज को निकलने के लिए इससे? शुरू से बात ही करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप देखोगे गाइडलाइन में ऑडियो डिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन नहीं, सीसी क्लोज कैप्शनिंग ओपन कैप्शनिंग का डेफिनेशन है, हमने इस चीज को लिख के दिया था कि आप एक स्टैंडर्ड, एक बेसिक गाइडलाइन, इवन गाइडलाइन लिख के दिया था ऑडियो डिस्क्रिप्शन का सर, कि कैसा होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हम बनाएंगे, हम बोल रहे हम भी बनाएंगे, और हमसे बड़े बड़े प्लेयर हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, वो हमारा कोर मार्केट है ही नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आज जो मेरी को फाउंडर है वो फाउंडेशन रन करती हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेसिबल कंटेंट बनाने का एक्सपीरियंस है नोवाफ्लिक्स से, तो हमारे को आइडिया तो है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, हमें तो नहीं सिखाए कोई, और उसके ऊपर हमने लिख के दिया था एक डेफिनेशन तो होना चाहिए। मान लो एक पिक्चर है, उसमें कितनी ऑडियो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एक मिनिमम तो कुछ डिफाइन कर दो, अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो एक सबसे पहले स्टेप में लूपहोल क्या है, लिया पिक्चर, एक राजा थी एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म हो गई कहानी, लिख दी थी, बोले सर डिस्क्राइब कर दिया सर, एक से राजा आया, रानी गई, रानी गिर गई, राजा उसके पीछे कूद गया और वो मर गए, पांच लाइन। अगर मैं इसको क्लेम करूं आज के डेट में एज अ प्रोडक्शन हाउस कि ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन है एक राजा रानी की कहानी का, आप मुझे बोल नहीं पाओगे ये गलत है, क्यों? क्योंकि कोई डेफिनेशन, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, आपने डिफाइन ही नहीं किया, ये क्रिएटिव है। मैं बोलूं मेरे को लगता है इतना ही डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, बाकी समझ जाएंगे लोग। तो सबसे पहला तो लूपहोल ऑडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, और हमारी क्या मांग थी कि कम से कम जो गैप है डायलॉग्स के बीच में 70% 80% या 65% गैप, उसको फिल किया जाए विद रेलेवेंट कंटेंट, सिंक्रोनाइज विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन स्क्रीन
और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर दिस दैट सीन, ये एक तरीका है आप इंश्योर करने। हमने क्रिएटिव फ्रीडम का रूम दिया है कि आप 60% से ऊपर भी डाल दो कि 60% से ऊपर होना चाहिए, पता तो चले कि 3 घंटे के मूवी में कम से कम एक घंटे के आसपास का ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। अगर 5 मिनट का ऑडियो डिस्क्रिप्शन आ जाए, हम भी करवाते हैं, हमारे में भी कभी कभी नोवाफ्लिक्स में ऐसी गड़बड़े होती है, जब हमारे नया नया स्क्रिप्ट राइटर जो होता है वो फटाफट काम खत्म करने के चक्कर में 2 लाइन ऊपर मारता है, 3 लाइन इधर मारता है, अब बीच के 15-15 मिनट के सीन्स गायब कर देता, तो हमें जब रिव्यू मिलता है वापस से ठीक करवाते हैं उसको। ऐसा अभी हुआ कुछ दिन पहले, एक एग्जाम्पल, हमारा इंटरेस्ट बस उसको ठीक करना है, लेकिन वहां इंटरेस्ट पैसा बचाना है। और इसको करने में कितना टाइम लगेगा सर? अगर मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं 5% चीजें डिस्क्राइब करूं, तब तो सर मैं तुरंत कर दूंगा ना, और सस्ते में कर दूंगा। एक शुरुआत तो यहां से। दूसरा, जब आगे बढ़ते हो आप गाइडलाइन में, आप देखते हो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात की गई, सर जो टेक्नोलॉजी विकिपीडिया पे मिली है, जो टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट हो चुकी है, आज अभी कहीं प्रैक्टिकली लगी नहीं है, कहीं प्रैक्टिकली यूज नहीं हो रही है, वैसी टेक्नोलॉजी हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी सजेस्ट की गई है, मिरर कैप्शन, तो कप होल्डर कैप्शन, तो पता नहीं क्या क्या, एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है उसका इंडिया में, पर लिखने के लिए पीपल कैन यूज दिस। अब इतने सारे ऑप्शन दे दो ना, पता नहीं कौन क्या यूज कर रहा है, सब 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 इधर उधर गोलमोल हो जाएगा, आराम से हम बाहर बैठेंगे, हम बोलेंगे हमें क्या पता कौन क्या यूज कर रहा है, मेरे लिए मॉनिटर नहीं करना है, मुझे नहीं पता। अब देखो किस तरह से अपने आप को बचाया गया। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो ऐप बेस्ड सॉल्यूशन, अरे ऐप बेस्ड सॉल्यूशन आपने बता दिया, ठीक है, और जिस समय आप गाइडलाइन लिख रहे थे हम ही थे अकेले ऐप, हम चल रहे थे, हम नहीं बोल रहे कि आप हमें ही दे दो सिर्फ और हमारा ही नाम लिख, पर हम कैसे चल रहे थे थोड़ा तो समझ लेते, आपने नहीं बनाया, चलो अच्छी बात, हम स्टार्टअप है, हम भी कंट्री को में कंट्रीब्यूट करने के लिए, आप हमसे ही पूछ लेते, हम नहीं बताते, तब तो आप बोलते कि हाँ नहीं 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 बता रहे ये कि कैसा होना चाहिए। ऐप बेस्ड सॉल्यूशन, ऐप बेस्ड सॉल्यूशन शुड बी यूनिवर्सल सॉल्यूशन ना, आफ्टर ऑल एक्सेल सिनेमा को NCEP DP अवार्ड यूनिवर्सल सॉल्यूशन का क्यों मिला? क्योंकि यूनिवर्सल डिजाइन है। तो आपने क्या कहा? ऐप बेस्ड सॉल्यूशन। अब कैसा ऐप हो, चलता हो नहीं चलता हो, सिंक करे ना करे, अरे हम साइटेड है, हमारे में सिंक नहीं करता ना ऑडियो डिस्क्रिप्शन, तो हम तुरंत फीडबैक लूप है हमारे पास, क्या है, हम सीन को देख रहे हैं और हम ऑडियो को सुन रहे हैं, तो हम 2 मिनट के अंदर बता देते हैं, अरे ये तो सीन सही नहीं डिस्क्राइब कर, आप ट्राई करके देख लो सर विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा 10-15 मिनट तक कि भाई साहब सीन नहीं चल रहा सही से, वो उसी में अपनी कहानी बनाते रहेंगे, आज तक तो ऐसे ही बनाते रहे, आगे और भी ऐसे ही बना लेंगे, तो कोई गाइडलाइन नहीं उसके ऊपर। फिर एक नया नया एक और प्लेयर आए, वो उनका सिस्टम, अभी 2 मूवी उन पे रिलीज हुई है, वो उस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं कि गाइडलाइंस में क्या क्या दिक्कत है। हाँ, तो एक तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है, कि भाई ऐप बेस्ड सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जाकर के थिएटर को भी लपेट लिया इन, और देखिए थिएटर को लपेटो पर वो अलग जगह लपेटना चाहिए, आपको स्मार्ट होना चाहिए गाइडलाइन लिखते समय। सर मैं भी गवर्नमेंट में काम किया, मैं भी मीटी में था, आई वॉज रनिंग द प्रोजेक्ट भाषिनी एज अ CEO इन मीटी 2021 से 2022 तक, और मैं उसको छोड़ करके आ गया, लेकिन मैंने डिजाइन किया वो प्रोजेक्ट, तो मैंने भी दिमाग तो लगाया ना वहां बैठ कर। आप थिएटर को लपेट रहे हो उसके अंदर, आप थिएटर को बोल रहे हो, हाँ थिएटर भी हर 100 सीट पे 2 सीट एक्सेसिबल होना चाहिए मिनिमम। अच्छा एक चीज बताओ, 2 सीट को आप कौन से 2 सीट को करोगे एक्सेसिबल, जब आपका यूनिवर्सल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जबरदस्ती 2 सीट एक्सेसिबल होना चाहिए, चलो जी कर दिया हमने 2 सीट एक्सेसिबल, कौन सा, ए रो का 1-2 कर दिया, तो क्या चाहते हो, एक विजुअली इम्पेयर्ड फैमिली के साथ जाए तो उसकी फैमिली पीछे बैठे और उसको उठा करके बोला जाए बेटा तुम ए रो के फर्स्ट सीट पे जाके बैठ जाओ, फिर दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड आए उसको बोले ए रो के सेकेंड सीट पे बैठ जाओ, इसीलिए गया था क्या वो मूवी देखने के लिए, कि साथ में हंसने के लिए गया था अपने घर वालों, आपको समझना ही नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड का कंपैशन क्या है, अब कंपैशनेट ही नहीं हो, आप समझना ही नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो, हाँ मेरे पे प्रेशर आया तो कुछ तो लिख दूं, उसके बाद आप बोल रहे हो कि 2 सीट हम बना देंगे, अच्छा चलो जी आपने 2 सीट साथ में नहीं बनाई, आपने रैंडम बना दिया कहीं और मान लो एक NGO से, जो श्रीकांत में हमने देखा,
श्रीकांत में सर 11,500 से ऊपर यूजेस हुआ था आपका। आप एक चीज बताओ, श्रीकांत में हमने देखा एक एक एनजीओ से एक एक ब्लाइंड स्कूल से 15-15, 20-20 लोग एक साथ चले गए थिएटर, तो उनको क्या बोलेंगे? दो आप अभी देख लो, दो बाद के शो में देख लेना, दो बाद के शो में देख लेना, क्या मतलब है? अरे ऐप बेस्ड सॉल्यूशन है, स्केलेबल है, जितने लोग आएंगे देख लो। नहीं, हमको जबरदस्ती इनको यहाँ के, उनको अगर खींचना था, उनको अगर लूप में डालना था, अगर उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी थी, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में लेते ना कि रैंप बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ, व्हीलचेयर एक्सेसिबल होना चाहिए, मोबिलिटी एक्सेसिबल होना चाहिए। सर वहां केस नहीं लगा मोबिलिटी एक्सेसिबल, और इसलिए वो चीज हुई नहीं। आप सोचो जितना प्रेशर उतना काम, और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और यहां तो वायबल भी नहीं, ये रहा आउटकम। एक चीज और है इसमें, हाँ एक चीज और मैं चाहूंगा, फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। हाँ। इसमें एक विंडो ये भी दी गई है कि कुछ मूवीज के लिए एक छोड़ दिया गया एग्जम्पशन पीरियड 2 साल का। सर ये भी एक जोक है। अब जोक क्यों है, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आता हूँ क्योंकि सीधी सीधी बात कहता हूँ, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दो कि हिंदुस्तान में 2,500 से 3,000 मूवी साल भर में रिलीज होती, रिलीज नहीं मैं बोलूंगा सर्टिफाई हो सेंसर बोर्ड। अब इतनी मूवीज जो सर्टिफाई होती है उसमें से इन्होंने क्या किया कि 15 मार्च को गाइडलाइन आई, 15 सितंबर 2024 से पहला फेज किक इन हुआ। इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाया, स्केड्यूल जो बनाया उसके अंदर इन्होंने इस तरह से प्लान किया कि ये 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है, इसके बाद 15 सितंबर के बाद कोई भी पिक्चर जो रिलीज होगी थिएटर में जो मल्टी लैंग्वेज में है उन पे ये गाइडलाइन एप्लीकेबल हो। फिर जनवरी 2025 का एक और एक सेट ऑफ डेट दिया है कि कोई भी पिक्चर जो अवार्ड फंक्शंस में जाएंगी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है, उनको ये मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद सीधा उठा करके फेंक दिया 2026 मार्च सिंगल लैंग्वेज मूवीज के लिए। अब इसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, अब प्रॉब्लम्स कैसे हैं समझिए, आपने मल्टी लैंग्वेज को तो कर दिया, चलो ठीक है एक मिनट के लिए समझ लेते हैं भाई, अवार्ड फंक्शन के लिए जो 25 का आपने बीच में डाल दिया है, क्या पिक्चर बनाते समय और रिलीज करते समय ही मुझे पता होता है मैं इसे अवार्ड में ले जाऊंगा? कई बार तो पिक्चर रिलीज होने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं अवार्ड में अप्लाई करूं, तो उस समय तो ये थिएटर में आएगी भी और चली भी जाएगी, और बाद में अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए इसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा, और सिर्फ अवार्ड के जगह जहां पे जैसे इफी या फिर गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल होता है वहां के कुछ थिएटर में एक्सेसिबल बना करके दिखा दिया, तो मतलब पैन इंडिया जब ये मूवी आई उस समय एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो जरूरत ही नहीं है ना, मैंने तो सोचा ही नहीं मैं अवार्ड में ले जाऊंगा। जैसे कश्मीर फाइल्स जब रिलीज की तो मैंने थोड़े सोचा कि मैं अवार्ड में ले जाऊंगा, अब मुझे लिख के थोड़े देना है CBFC के पास कि हाँ इस पिक्चर को मैं अवार्ड में ले जाऊंगा, मेरी मेरी सर्टिफिकेशन हो गई, मैं सिंगल लैंग्वेज मूवी हूँ। उस पिक्चर चली, पिक्चर चलने के 3-4-5 हफ्ते बाद उतर गई, OTT पे भी आ गई, उसके बाद नवंबर में अवार्ड आने वाला है, फिर मैं इसमें एक्सेसिबल कंटेंट बनवाऊंगा, बनवा करके जहां पे भी अवार्ड फंक्शन हो रहा होगा अगर वहां पे पिक्चर स्क्रीनिंग होगी तो मैं एक्सेल जैसे ऐप के साथ टाई अप करूंगा और वहां दिखाऊंगा, हो गया मेरा। तो सिंगल लैंग्वेज, अगर कोई भी मूवी हिंदी में आ रही है, सिर्फ हिंदी में आ रही है, बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है, तो उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, 2026 हाँ उसके ऊपर ये लागू ही नहीं होता ये एग्जेम्पशन। और इसके पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला ये क्या लॉजिक है, स्टेक होल्डर मीटिंग में मैंने बोला इसका रीजन क्या है, आप बजट क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हो, आप क्यों नहीं बोल सकते हो कि यार 20 करोड़ से ऊपर में बनने वाली पिक्चर के लिए ये है, तो बोलते मुझे बजट, हमें बजट नहीं पता होता है। तो मैं बोला एफिडेविट ले लीजिए, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस झूठ थोड़े बोलेगा, कल को उसको इनकम टैक्स में भी जाना है, वो थोड़े झूठ बोलेगा कि नहीं नहीं हम यहाँ एफिडेविट दे देते हैं कि मेरी इस पिक्चर का बजट, देखिए थर्ड पार्टी सोर्स से तो हमें बजट सारे पिक्चर्स का दिखता रहता है, ठीक है, कि ये बजट 100 करोड़ में बन रही, तो वो पता नहीं 300 करोड़ में बन रही, वो 500 करोड़ में बन रही, पता नहीं कितने करोड़ों में बन रही है, ठीक है, लेकिन वो अगर उनको एफिडेविट देना हो कि हाँ दिस इज अबव 20 करोड़ और दिस इज बिलो 20 करोड़, एक थ्रेशोल्ड बना देते, प्रेशर अपने आप कम हो जाता, या फिर
हमने ये भी सजेस्ट किया था नंबर ऑफ स्क्रीन जितने में रिलीज कर रहे हैं आप उसके हिसाब से लगाते हैं कि छोटी मूवी कम स्क्रीन में रिलीज होती है कम बजट की। बाद में अगर पॉपुलर हो जाए जैसे कि कश्मीर फाइल्स, स्टार्टिंग में इसको फर्स्ट वीक में बहुत कम स्क्रीन दिया गया पर बाद में ये पॉपुलर हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके स्क्रीन के नंबर बढ़ गए। पहले शायद अंडर 1000 स्क्रीन था, बाद में तो 4500 स्क्रीन तक पहुंच। तो लेकिन ये हमने बोला कि आप स्क्रीन वाइज कर दीजिए, वो लिख करके दे दें आपको कि हम इतने स्क्रीन में रिलीज कर रहे हैं, हम अंडर 1000 स्क्रीन में रिलीज कर रहे हैं, तो चलो जी हम पे ये इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल हमारे स्क्रीन वाइज लगे रहे। क्योंकि जितना ज्यादा स्क्रीन में आप लगा रहे हो मतलब आप उतने पैन इंडिया पिक्चर हो, अगर आप उतने पैन इंडिया पिक्चर हो मतलब आपका एक्सपोजर टू विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, विजुअली डिसेबल कम्युनिटी इज मोर। एक पिक्चर मान लो एक छोटे से गांव में लग करके उतर गई, उससे कम उस गांव में जितने उस गांव में विजुअली डिसेबल लोग हैं बस उतने ही लोग तो प्रभावित होंगे। लेकिन एक पिक्चर पूरी हिंदुस्तान में लग करके उतर गई तो पूरे हिंदुस्तान के विजुअली डिसेबल पीपल प्रभावित होंगे, तो उसको होना ज्यादा जरूरी है। तो आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा लूप होल दे दिए हैं, तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इन गाइडलाइंस का। पर अब दिक्कत ये है, मुझे ये तो पूछना है आपसे, मैं ये एक्टिविस्ट के लिए ना बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जो लोग इस पे काम करते हैं। जब तो कोई गाइडलाइन आती है और सब क्रेडिट के लिए भागते हैं, हमने कराया, देखो, जब उसमें से नहीं निकलता है कुछ, जब ऐसी चीजें आती हैं, फिर कम्युनिटी जो क्लेम करते हैं उनके पीछे भागते हैं, भाई तुम तो कह रहे थे हमने क्रेडिट लिया, तो तुम मीटिंग में क्या कर रहे थे। तो इसमें इसको डिफाइन कैसे करोगे भाई? क्रेडिट लेने तो अगर किसी ने एक ईमेल भी किया तो वो कहता मेरा कंट्रीब्यूशन है, देख लो मैंने ईमेल की थी, बीट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। जब ये चीजें आती है, अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपकी मेहनत तो रंग लाती नहीं दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं दिख रही, और हमको क्रेडिट चाहिए ही नहीं। आपने तो पूछा मेरे से गाइडलाइन, आपने पूछा यज्ञ में क्या आहुति दी है आप, पर यज्ञ सफल हुआ या नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोल दिया नहीं हुआ, मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए। कुछ होंगे एक्टिविस्ट जिनको चाहिए, पर जब आप लोग कन्विंस ही नहीं कर पाए, इतना टाइम भी दिया, फिर में इतने बड़े बड़े लूप होल्स हो गए, तो हम क्या माने? ये क्रेडिट लेने वाली, सर पहली बात तो ये क्रेडिट लेने वाली चीज ही नहीं है, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। जो लोग सोच चुके हैं ना कि हमने लड़ाई लड़ लिया और संतोष ले लिया उतने पे ही, अब दूसरी जगह लड़ रहे हैं, ऐसे हैं कुछ लोग, नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी बात भी हुई, मैंने बोला इतनी गड़बड़िया है, क्या कर रहे हो, क्यों चुप हो? नहीं नहीं ठीक है, मैं बोला यार अब तुम्हीं को ठीक लग रहा है, अब हम क्या कह सकते। इसमें कुछ पॉजिटिव भी है इन गाइडलाइंस में? सर पॉजिटिव तो एक चीज है ऑब्वियसली कि मल्टी लैंग्वेज मूवीज को कर दिया गया है। देखिए गाइडलाइन में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या है कि एक माइंडसेट तो अब आ रहा है, ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, जैसे इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेस हैं या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे धर्मा ले लीजिए, जियो ले लीजिए, ठीक है, टी सीरीज भी हद तक ले लीजिए, ठीक है, खास करके जिन लोगों से हम लोगों ने अभी तक काम किया है सर, उन्होंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं की। पर वहीं पे मैं प्रोडक्शन हाउस की गलती नहीं बोलूंगा, यहाँ पे क्या बोलूंगा, क्योंकि वो भी बड़े प्रोडक्शन हाउस, इस चीज को बहुत इसको डिप्लोमेटिकली सही होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे अगर बोलना होगा तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ ये प्रोडक्शन हाउस ने सही में जानते हुए ये गलती की है तो वो गलत है। कुछ लोगों ने तो सिंगल लैंग्वेज मूवीज जो है उनको भी ऑडियो डिस्क्राइब किया है, फॉर एग्जाम्पल धर्मा और जियो, श्रीकांत भोला जो ऑडियो डिस्क्राइब हुई थी वो भी सिंगल लैंग्वेज में थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट अलग था कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को डील कर, उन्होंने अपनी दूसरी मूवी खेल खेल में है नहीं की ऑडियो डिस्क्राइब, और भूल भुलैया भी शायद ना करें। अगर उन्होंने भूल भुलैया नहीं किया तो मैं क्लियरली एक चीज को बोल सकता हूँ, टी सीरीज ने सिर्फ श्रीकांत भोला को इसलिए ऑडियो डिस्क्राइब किया क्योंकि उसमें विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी का फुटफॉल चाहते जी। लेकिन जहां दूसरी तरफ जियो है, धर्मा है, इन्होंने ऑडियो डिस्क्राइब किया सिंगल लैंग्वेज मूवीज को, वायाकॉम ने किया फाइटर मूवी को ऑडियो डिस्क्राइब, तो ये कुछ प्रोडक्शन हाउस तो बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिवली ले रही। अब साउथ में क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स भी है ना सर, आपने ऐप को डिफाइन नहीं किया ठीक से गाइडलाइन में, आपने लूप होल गाइडलाइन में छोड़ दिया तो लोग फायदा उठाएंगे। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशन व्हिच हैज मशरूम्ड ओवर राइट नाउ
जस्ट टू कॉम्प्लाई। तो अगर आप उस तरह से सोचे बस कंप्लाई करने के लिए कुछ कुछ एप्स आ गए और वो बोल रहे हाँ हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आपने ये काम दिया सीबीएफसी को, सीबीएफसी क्या कोई टेक्निकल विंग है? नहीं है ना। सीबीएफसी का काम क्या है? सर्टिफिकेशन कर। आप उसको काम दे रहे हो एक टेक्निकल काम। आपने पूछा रॉकेट साइंस है या नहीं है, तो सर रॉकेट साइंस है, क्योंकि अगर नहीं होता जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम है, आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर देन द सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम ऑफ सजाम। एंड यू नो हाउ मच द सजाम गॉट सोल्ड ऑफ फॉर? $1 बिलियन टू एप्पल। तो अगर सिंक टेक में कुछ नहीं होता, सारे एल्गोरिदम सारे ऐप बराबर ही होते, तो भाई एप्पल को सजाम खरीदने की जरूरत नहीं होती ना, वो भी एक मिनट में खुद ही बना लेता, इतना आसान होता। हम लोगों ने सर थिएटर टेस्टिंग से लेकर के एक एक चीज की थी ऑब्वियसली। और यहाँ पे जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ एप्लीकेशन जैसे क्या कुछ क्या अभी क्यूब ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। और मैंने उस दिन एक एक्सेसिबल ग्रुप में था, मैं वहां पे देखा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक मूवी आई है रजनीकांत सर की वेतनिया, और दूसरी मूवी है मार्टिन, दोनों मल्टी लैंग्वेज मूवी है और दोनों क्यूब के ऐप पे है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए क्या है क्या नहीं है। पता किया, थोड़ा डिटेल में गया, ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा, ऐप हाउ इट वर्क्स में पढ़ा, लोगों से बात किया, क्यूब में बात किया, सारी जगह से बात किया, कंफर्म न्यूज निकाला। तो पता क्या चला कि ये एप्लीकेशन अगर वेतनिया 4000 थिएटर में रिलीज हुई हो या मान लो 3000 थिएटर में रिलीज हुई हो, तो ये एप्लीकेशन 100 थिएटर में भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए उस थिएटर में एक हार्डवेयर को लगाना जरूरी है। अगर हार्डवेयर लगा है तो वो थिएटर में ये चलेगी एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मान लेते हैं 3000 थिएटर में वेतनिया रिलीज हुई हो और आपके आपकी अगर बातें जैसे बहुत विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी सुनती है तो वो भी आपको फीडबैक देगी कि वो जाएंगे और जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि 2900 थिएटर में तो ये है ही नहीं, चलती ही नहीं है। और इसकी हाइट्स देखिए कि उन्होंने अपने पार्टनर थिएटर का नाम भी नहीं लिखा है अपने वेबसाइट पे। लिखा क्या है? द लिस्ट ऑफ पार्टनर थिएटर कैन बी फाउंड हियर, और हियर पे क्या है? कुछ नहीं, ब्लैंक। क्योंकि वो अपडेट नहीं करना चाहता कि मैं कैसे लिख दूं 100 थिएटर, मैं लिख दूंगा 100 थिएटर तो पता चल जाएगा कि भाई 2900 थिएटर तो एक्सेसिबल है नहीं इसमें, तो मेरी सॉल्यूशन कैसे एक्सेप्ट होगी। और ये फिर थिएटर को बेचा जा रहा है, ये फिर प्रोडक्शन हाउस को बेचा जा रहा है कि हमारे पे इसमें यूज कर लो, ये ऐप पे यूज कर लो, और सीबीएफसी को भी बेचा जा रहा है। और हालत तो वहां बुरी है कि सीबीएफसी भी ये नहीं पता कर पा रही है कि, और बोल पूछ नहीं पा रही है सही क्वेश्चन कि भाई तुम क्या सारे थिएटर में एक्सेसिबल हो, क्योंकि गाइडलाइन में एक वर्ड है सर, इन द यूजुअल स्क्रीनिंग ऑफ दैट मूवी। अब वेतनियाम इज गेटिंग स्क्रीन इन 3000 स्क्रीन एंड आउट ऑफ 3000 स्क्रीन सिर्फ 2900 स्क्रीन में वो एक्सेसिबल बनी नहीं, तो ये एप्लीकेशन कैसे हो गया सॉल्यूशन ऐप बेस्ड, यूनिवर्सल कैसे हो गया? ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं पूछ रही सीबीएफसी, ये चुप करके बैठे हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? मेरे को तो ये नहीं, तो पूछ चुके इस जो ये जो एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी मूवीज की जो बात हो रही है, हाँ इसमें कई मूवीज पे केस भी लगा, इट मींस कि लॉयर भी इन्वॉल्व है और हमारी कम्युनिटी के ही इन्वॉल्व है। बिल्कुल, जब आप लोग भी अब लंबा एक्सपीरियंस है, अब आप हमारी कम्युनिटी का ही पार्ट है, एक लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सारे लोग उन तमाम मीटिंग्स में भी शामिल थे। अब ये बात जो आप मुझे बता रहे हो इस पॉडकास्ट में, ये तो कोई भी बंदा समझ लेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें तो रॉकेट साइंस आपने बता दिया कि भाई ये फिजिबल ही नहीं है सोल्यूशन कि इंडिया के हर थिएटर में आप हार्डवेयर लगाओ, वो भी दो दो लोगों के लिए सिर्फ। अब 4 लोग हैं मेरी फैमिली में, 2 आगे बैठ जाए 2 पीछे बैठ जाए, और मेरे को वॉशरूम जाना तो 1.5 घंटा ढूंढने में लग जाए उनको, कुछ मंगवाना है तो ये सोल्यूशन जब हर आदमी को समझ आ रहा है तो सीएफसी को समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्शन हाउसेस को समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या है? क्या लॉबी उनकी स्ट्रोंग है? क्या रीजन क्या है कि ये सब कुछ आने के बाद भी ये ऐसे? तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे 4 पैसे कमाने के लिए, हम भी अपनी 2 दे देते हैं। बिल्कुल दे दीजिए सर, बिल्कुल दे दीजिए, क्योंकि आप समझिए सर दानिश भाई,
सोए हुए को उठाना पॉसिबल है, पर आंख बंद करके कोई नाटक कर रहा है उसको उठा नहीं सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि सीबीएफसी को ये बातें बताई नहीं गई, मैं खुद बताया, मैं खुद रीजनल ऑफिसर सीबीएफसी जिसने अप्रूव किया। एक और मूवी है जिसका नाम भी नहीं सुन रहे हैं हम लोग, पानी, वो साउथ इंडिया में बिल्कुल रिलीज हुई है, मलयालम में उसका मेन लैंग्वेज है, उसको भी क्यूब पे ही डाला गया है। और मैंने बताया वहां के आरोप, पर वो क्या कहते हैं, नहीं हम क्या कर सकते, अभी तो शुरुआत है, ऐसा होता है। मैं बोला भाई गजब हालत है, अब क्या करे, हर चीज के लिए कोर्ट थोड़े चले जाएगा कोई आदमी। मैं तो उनको बोलने के बाद उनको ही लेटर लिखूंगा, मैं कंपनी हूं सर, मैं अगर कोर्ट कोर्ट खेलता रहूंगा तो मेरे को तो कोई छुएगा नहीं प्रोडक्शन हाउस। मेरे को एक बात यहाँ पे फिर समझाएं, आपकी जो एक्सेल सिनेमा ऐप है इसके लिए कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एयरफोन चाहिए, इसके लिए थिएटर का कोई पैसा नहीं लगना, इंटरनेट उन्होंने खुद यूज करना है, ये ऐप फ्री है, जो सिर्फ जो प्रोडक्शन हाउसेस है उनको एक ऑडियो ट्रैक करना है, राइट? करेक्ट। तो और उनसे चार्ज करते हैं। हाँ, और ये सोल्यूशन ट्राइड एंड टेस्टेड है, सक्सेसफुल है, सबने देखा है, उसके बाद भी सब कुछ का कि बाद में भी वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे, व्हाट इज द माइंडसेट? उनको चाहिए नहीं, उनको उनको लगता है कि पता नहीं कुणाल ने ही ये प्रेशर डलवाया, ये चला जाता था मंत्री के पास लेटर लेकर के, तो एक दुश्मनी खा रखी है। अगर नहीं होती तो सर आप बताओ इसकी जो गवर्निंग बॉडी बनी है एक्सेसिबिलिटी की, ठीक है, उसमें चलो मेरे को शौक नहीं है। आपने बहुत ज्यादा रेट रखा है क्या ट्रैक का? अरे सर, नहीं कर पा रही कंपनियां, आप सोच नहीं सकते कि कितना कम रेट रखा है। और अगर नहीं कर पा रही होती तो जियो धर्मा और ये लोग कैसे काम कर रहे होते हमारे साथ, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सर जो एथिकल है, जो सही चलेगा, वो सही चीज पे चीजों को डालेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहुंचे नहीं थे उनके पास, कई के पास पहुंचे हैं, मुझे मालूम है, वहां से दरवाजे बंद हुए हैं इनके लिए कि नहीं सर आपका सॉल्यूशन अभी सही नहीं, ये हुआ है इनके साथ, तो कुछ लोगों ने लौट। सर देखिए हर कोई गलत नहीं हो, इस चीज को बहुत मैं बिल्कुल है ना, मैं बिल्कुल इंडिविजुअल्स पे जाता हूं, मैं एक कम्युनिटी को नहीं बोल सकता अब, लेकिन यही होता है कि परसेप्शन इससे गलत बन जाता है कुछ लोगों के का, कुछ लोगों को शॉर्ट सेल करना आसान लगता है। आप इसकी गवर्निंग बॉडी जो बनी, हमने ये भी पूछा कि चलो हमें तो बाहर रखा, नोवाफ्लिक्स से कोई रिप्रेजेंटेशन ले लेते, अगर आपको एक डिसेबल कम्युनिटी से ही लोग चाहिए तो नोवाफ्लिक्स से हम अपॉइंट कर देते, जो कम से कम आपको वॉइस तो करता कि क्या होता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन और क्या नहीं। आपको लग रहा है फॉर प्रॉफिट कैसे नहीं है उसके अंदर गवर्निंग बॉडी में? आलोक केजरीवाल जी हैं, मैं खुले में बोलता हूं, उनकी कंपनी फॉर प्रॉफिट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो साइन लैंग्वेज बनाती है, पैसे चार्ज करते हैं और वो गवर्निंग बॉडी में भी, पर हमको बाहर रखना है, क्यों? क्योंकि ये लोग सही बोलते हैं, इनको बाहर रखो ताकि हम पे प्रेशर कम रहे, इनको एक्सपर्ट चाहिए। सर 400 मूवी से ज्यादा बनाया है, खड़ा कर दो किसी को जिसने 100 मूवी से ज्यादा बनाया है, हम मान लेंगे उसको एक्सपर्ट, हम बाहर चले जाएंगे, आपके पास नहीं है लेकिन आपको हम नहीं चाहिए, चक्कर ये है। अब ये तो सर वही समझे, क्यों नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपकी पेन क्या है? आप दुखी हैं एज एन एक्टिविस्ट या आप दुखी हैं एज ए बिजनेस मॉडल? क्योंकि ये मॉडल आपने क्रिएट किया और आपको पता नहीं था कि गाइडलाइंस आने वाली हैं या नहीं आने वाली है, तो कई लोगों का ये कहना है कि यू वांटेड टू बी अ सिंगल प्लेयर इन द मार्केट, इसलिए यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। चलिए ये इल्जाम लगाना आसान है, पर जिस समय हम इस मार्केट में आए थे 2018 में, सर कोई गाइडलाइन था? कोई ऐसा था कि हाँ भाई ये गाइडलाइन है और इसके तहत करना जरूरी है और ऐसा हो जाएगा इसीलिए हम इस बिजनेस में आए हैं? नहीं। क्या नोवाफ्लिक्स हम चला रहे हैं कोई गाइडलाइन है? उसके बाद मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, जिगरा जो आज रिलीज हुई है, कल रिलीज हुई है, ये पहली पिक्चर है जो इस गाइडलाइन के तहत रिलीज हुई है हमारे। अब मतलब आप समझ रहे हैं उसका? फाइटर, शैतान, आर्टिकल 370, लापता लेडीज, योद्धा, मिसेज मिसेज माही, किल, श्रीकांत और स्त्री टू, इन सब पे गाइडलाइन ही नहीं एप्लीकेबल थी। गाइडलाइन के फायदा से अगर आप बोल रहे हो कि हमने पिक्चर इकट्ठे कर ली अपने पे, तो नहीं, इनकी सेंसिटिविटी पे हमने इकट्ठे की है कि वो सेंसिटिव थे,
वो समझे इस चीज को, फुटफॉल्स दिखा है। और दूसरी बात कि अगर हमें चाहिए होता कि अकेले प्लेयर हो, अकेले रहो, तो हम अपने नाम पिन बनवाते ना। हम तो आज भी बोल रहे हैं चूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। आप एक चीज बताओ सर, इस गाइडलाइन में आपने कोई ऐप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ठीक है? मुझे क्या स्टॉप करता है कि मैं अपने फ्रंट एंड को डुप्लीकेट करके, ठीक है, एक्सेल सिनेमा एक को, उसके अलावा 10 और एप्लीकेशन इसके नाम से बना दू, सर्वर ओरवर सेम, कॉपी क्लोन क्लोन का मारता चला, ठीक है, और 10 और एप्लीकेशन बना दू, किसी में रेट डाल दू 10,000, किसी में डाल दू 5,000, किसी में डाल दू फ्री, किसी में डाल दू कुछ, जो मन करे वो डाल दू, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस के लिए। एक पिक्चर आएगी पता नहीं एबीसी ऐप पे, एक आएगी टिम्बकटू ऐप पे, एक आएगी एक्स वाई जेड ऐप। विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी कहाँ जाएगी? आज हम और आप बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है जिगरा है, कल को मानो ये पिक्चर जो आने वाली है, मानो सिंघम आने वाली है, वो एबीसी ऐप पे, पता ही नहीं है कौन सा ऐप। आपको लगता है विजुअली इम्पेयर कम्युनिटी ढूंढ करके पहुंच जाएगी वहां तक? फिर दूसरी मूवी दूसरे ऐप पे, तीसरी मूवी तीसरे ऐप पे, चौथी मूवी चौथे ऐप पे, मजाक बना रखा है क्या आपने? हमने क्यूब की बात की, तो ये जो ऐप है जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैंने अभी टेस्टिंग नहीं किया, तो मुझे तो हमारी कम्युनिटी को तो समझ आता है, और क्या वॉइसेस उठ रही है, मैंने तो नहीं देखा कि ये सोल्यूशन नहीं है। तो आप कम्युनिटी के रिस्पॉन्स को कैसे देखते, क्योंकि एक्सेल सिनेमा तो हमने ट्राइड किया है, टेस्टेड किया है, और हमारे हिसाब से तो इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी हो नहीं सकती। तो क्या क्यूब को लेके हमारी कम्युनिटी में कुछ रोष है, जब वो इन सॉल्यूशंस पर उनका क्या कहना है, कुछ आवाज उठ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ एक्सेल सिनेमा वर्सेस ऑल बन गई है, जब बाकी कम्युनिटी भी आपका साथ दे रही है? सर कम्युनिटी से आवाज उठ रही, हल्की आवाज है, कुछ लोग ज्यादा मीडिया में नहीं जाते, मैंने एक दो आवाजें सुनी है जो दूर तक जाएगी। एक तो ऑलरेडी कोर्ट पहुंच चुकी है और दूसरी भी पहुंचेगी, पर मैं उसको न प्रत्यक्ष न परोक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे से कोई अगर कुछ पूछेगा तो मैं बता सकता, मैं गलत नहीं बोलूंगा, और मैं खुला इनविटेशन देता हूं, किसी को कोई सपोर्ट की जरूरत है, कोई टेक्निकल चीज जाननी है, कहीं पे भी जाननी है कि भाई ये क्या हो रहा है, इसमें क्या नकूना है, क्यों नहीं चला, क्या दिक्कत है, आप पूछ लो। क्यूब की जो ऐप है सर, अभी तक तो 100+ डाउनलोड दिख रहा है, वो तो उनकी टेस्टिंग में ही डाउनलोड हो गया 100। अब इसमें पिस तो हमारा सेक्टर रहा है, हमें जो गाइडलाइन से इक्का दुक्का मूवी देखने को मिलनी थी आज भी एक्सेसिबल फॉर्म में, वो हमें फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पता नहीं हमारे यहाँ पे जो थिएटर है पठानकोट जैसा छोटी सिटी है, वहां पे वो हार्डवेयर कितने सालों में आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा सर? वो क्यूब बेच रहा है ना हार्डवेयर, वो क्यूब हार्डवेयर बेच रहा है थिएटर्स को, और ये कह के बेच रहा है तुम्हें तो एक्सेसिबल होना है तो ये खरीद लो, मतलब बहुत दूर की सोच। और एक बार हार्डवेयर सारी जगह लग गया, फिर क्यूब की होगी मोनोपोली। तो वो तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है हर साल दो साल में सर। इन्होंने बड़े स्मार्टली, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब क्या करती है, कंटेंट को डिलीवर करती है डीसीपी फॉर्मेट में, उसमें डुओपोली है दो कंपनी की, एक है यूएफओ दूसरा है क्यूब। अब इसके अंदर अगर इतनी ही उनके अंदर ये थी, पैशन थी, तो सर जब डॉल्बी जैसी सॉल्यूशन थी तब क्यों नहीं सोच करके ले आए? ये वेट करते रहे कि गाइडलाइन हो, इसमें कुछ बिजनेस सेंस बने, तब हम इस पे काम करें। आप देखो सर, दो तरह के लोग हैं, जो जैसे एक इल्जाम लगाया गया मेरे पे कि भाई आपने मोनोपोली चाहिए, आपको गाइडलाइन में अपना नाम चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। अब ये देखो, मैं तो उस समय काम कर रहा था जिस समय गाइडलाइन दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जो लोग गाइडलाइन के बाद आकर के काम कर रहे हैं, वो सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी आई है, और अपॉर्चुनिटी सुना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं बुरी बात है, पर हाँ अपॉर्चुनिटी आई है, सिक्योर्ड बिजनेस दिख रहा है, देन दे जंप्ड इन अ कैलकुलेटेड मूव। सो दिस इज अ वेरी कैलकुलेटेड मूव कि हाँ हम थिएटर। लेकिन सर ये क्यूब का सॉल्यूशन तब तक यूनिवर्सल नहीं होगा जब तक एक भी थिएटर, जहां 9,600 थिएटर है इंडिया में, एक भी थिएटर अगर बोल दे क्या मुझे नहीं लगाना क्यूब का सिस्टम, तो नहीं होगा एक्सेस। वे फॉरवर्ड क्या है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी को वॉइस करना चाहिए। इसमें से कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनको मैंने इन सब चीजों के बारे में जब मुझसे बात हुई तो बताया मैंने, कुछ ने सीधा बैकट्रैक कर लिया, बोला हम नहीं घुसेंगे इसके अंदर। मैं बोला यार देखो, मेरा काम था बता देना, तुमने मुझसे पूछा मैंने बता दिया, या तुमने नहीं भी पूछा तब भी मैंने ग्रुप पे बता दिया, ठीक है। अब आगे तो लड़ाई तो अपनी खुद ही लड़नी पड़ती है सर,
हर बार आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आज एक्सेल सिनेमा फाइट के लिए तैयार है क्या सर? कुछ ऐसा तो है कि कम्युनिटी में काफी लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिवली इसमें लगे हुए हैं, वो तो फाइट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इस एक्सेल सिनेमा फाइट करेगी। सर एक्सेल सिनेमा एक चीज पे तो फाइट करेगी, जो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं वो है गलत एप्लीकेशन को हम घुसने नहीं। हम इसके लिए अगर सामने से भी लड़ाई करना पड़े तो हम लड़ेंगे, ऑलरेडी लड़ाई शुरू ही हो चुकी वहां पे। हमने एक चीज के लिए नहीं है कि हाँ सिर्फ कि हमें बाहर कर दिया गया है, इसके लिए हम तो इसके लिए फाइट करेंगे कि आपको, और इसके लिए हम जो भी फाइट कर रहा है उसको सपोर्ट भी करेंगे कि आप सही प्रोडक्ट सही लोगों को दे। वो गिनी पिग नहीं है ना यार, क्या लगता है आपको कि ये विजुअली डिसेबल्ड है तो क्या गिनी पिग है? मैं इसमें टेस्ट करूंगा बैठ करके, मैं इनको भेजूंगा एक थिएटर में जहां जाके ये टिकट खरीदने के बाद इनको पता चलेगा कि यहाँ तो सिस्टम नहीं काम करता। अरे भाई साहब, आपने देखा उसकी जर्नी, वो घर से निकला किस तरह से, पहुंचा थिएटर कैसे, किसके पैसे पे, क्या आपके पैसे पे किया था? नहीं। और ऐसे लोगों को कोई केयर नहीं है। मैंने मैंने बोला उनको कि आपको थोड़ा एम्पैथी होना चाहिए ऐसी चीजों पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस बिजनेस है। अब इसके लिए जो जिसको जो सजा देना है दे, आई डोंट केयर। कोई ऐसा नहीं है कि इमीडिएट गाइडलाइंस में कोई रिफॉर्म्स आने की कोई संभावना देखते हैं आप, या कोर्ट की इंटरवेंशन? सर इमीडिएट तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, आना होता तो जिस समय बन ही रहा था उसी समय सब कुछ, इसमें से 90% चीजें तो उसी समय बताई गई है जिस समय गाइडलाइन बन रहा था, जो लोग बना रहे थे उनके हाथ में दिया है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स है कि एक एक चीज को बताया गया है, कहां मिसयूज हो सकता है ये भी समझाया गया, रेड रेड लाइन करके समझाया गया है, जाके ऑफिस में मिलके समझाया। ये ब्यूरोक्रेसी ने प्ले किया है या गवर्नमेंट ने किया है, क्या लगता है आप? सर ब्यूरोक्रेसी ने प्ले किया है, गवर्नमेंट ने नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने किया है। साफ साफ बात, गवर्नमेंट की मंशा बहुत क्लियर थी सर, पर आप नहीं कह सकते हो कि एक मिनिस्टर है ना टेक्निकली वो इंजीनियर बन जाए, नहीं हो सकता ना सर। राजा राजा होता है, राजा पॉलिसी डिसाइड करता है, एक लीडर पॉलिसी डिसाइड करता है, पॉलिसी में दम था तभी तो एक्ट आया। क्या एक्ट के लिए किसी ने ये किया था? नहीं, एक्ट इसी गवर्नमेंट ने लाया ना, पावर आपको इसी गवर्नमेंट ने दी, फिर इस गवर्नमेंट ने आपको इम्पावर 2016 में भी किया, फिर गाइडलाइन में भी, चाहते तो वो 6 महीना लगा सकते थे ना गाइडलाइन में, कोर्ट ने तो बोला था 6 महीने के अंदर दो, पर तुरंत गाइडलाइन आया। क्यों आया? क्योंकि मिनिस्टर का विल था, अनुराग सिंह ठाकुर जी थे, उनका विल था कि मैं जाने से पहले गाइडलाइन करके जाऊं इलेक्शन में जाने से पहले। वो तो अलग बात है कि वो आए नहीं। अब ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं या वहां पे, वो भी कर्मठ हैं लीडर, और मैं उनके साथ काम किया हूं मीटिंग में, लेकिन वहां तक बात पहुंचे तब तो। अब एक्सेल सिनेमा पे जी कंप्लीट कीजिए। यहां तो गड़बड़ी नीचे में है, और मैं खुले चैलेंज से बोलता हूं, मेरे को एक तरफ खड़ा कर दो और आप सामने खड़े हो जाओ, मेरी गलती है सर, आपका जूता मेरे सर पे, मैं आपसे माफी मांगूंगा और कभी मुंह नहीं खोलूंगा, ये बिजनेस ये काम बंद कर दो, लेकिन मेरी गलती अगर नहीं है तो आपसे बस इतना ही सविनय निवेदन है कि आप इसमें सुधार कर। अभी एक्सेल सिनेमा में कौन कौन सी मूवीज आ रही है, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। सर एक्सेल सिनेमा में आने में एक सिंघम अगेन तो आ रही है, ठीक है, जिगरा आ चुकी है, जिगरा आ चुकी है, और यशराज से भी बात हो रही है, उनकी भी एक आने वाली है मल्टी लैंग्वेज मूवी, और हाँ हॉलीवुड की मूवीज आएंगी अभी इसमें। ओके, डिज्नी की फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है, और ये बड़ी बात है कि डिज्नी जैसे स्टूडियो ने हमारा सारा सिक्योरिटी ऑडिट किया, एक एक चीज एक एक स्टेप। जो लोग ये इल्जाम लगा, सर हमने बहुत चीज झेला है, हमने कोर्ट में रिप्लाई देखी है, और क्यों नहीं, मेरे नाम को लेकर के जब आदमी बोल सकता है, क्या बोला गया है, ये बोला गया है देहरादून जो ब्लाइंड स्कूल है, नेशनल क्या है सर नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी, करेक्ट, उसमें कोई डायरेक्टर साहब हैं मनोज जी या ऐसा ही नाम है उनका जी, क्योंकि मैं ज्यादा इसमें रहता नहीं, मेरे को ज्यादा पता नहीं रहता ये सारी गॉसिप्स। उन्होंने कोर्ट उन्होंने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा एक्सेल सिनेमा इज नॉट सिक्योर, ठीक है, दूसरा लिखा कि इसमें है ना पायरेसी बढ़ जाएगी, तीसरा लिखा कुछ इसी तरह से बातें।
मैंने रिप्लाई में लिखा उनको, सर प्रूफ इट, इल्जाम लगाने के लिए तो मैं बैठे बैठे बोल दू कुछ भी बोल दू कि मोदी जी अच्छे नहीं है, इल्जाम लगा दिया। अरे क्यों अच्छे नहीं है बताओ तो सही। तो ऐसे लोग भी हैं कि इन्होंने सीधा सीधा हम पे इल्जाम लगा दिया था, और वो कोर्ट में गया था इनका मिनट्स ऑफ मीटिंग, मुझे रिफ्यूट करना पड़ा उसको। मैंने पूछा कोर्ट में कि कैसे क्यों, कोई जवाब नहीं है, पर क्योंकि बोलना है, हमको बोलना है। तो NIEPVD के डायरेक्टर को क्या पड़ी थी ये चीजें करने की? अरे क्या, सर कहते हैं आप एक कुर्सी दे दीजिए, उसके बाद लोगों को बोलना होता है, एक पॉडकास्ट पे बुला लीजिए, फिर उसे बोलना होगा जैसे मैं मेरे को बोलना है, ये तो नेचुरल ह्यूमन। मैं कोशिश करूंगा उनसे जानू ये चीजें, कभी बात होती है। अगर एक बार उन्हें बुला लीजिएगा, अब पूछिएगा सर आपने जब बोला एक्सेल सिनेमा सिक्योर नहीं है और आपने बोला, और मैं आपको दे दूंगा कागज कि कहां बोला उन्होंने, और अगर बोला तो आपने किस तरह से सोचा, क्या आपने एक्सेल सिनेमा से पूछा, क्या आपने उस आदमी से, मतलब यू नो एक नेचुरल जस्टिस भी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दूसरे पार्टी को बुला के पूछ तो लो, नहीं हम मुझे मूड आ रहा है मुझे बोल। सर एक इल्जाम आपके ऊपर और भी है, बताइए। आपकी एक ऐप है एक्सेल सिनेमा, हाँ, आपकी पैरेलल दूसरी ऐप है नोवाफ्लिक्स, करेक्ट। जब आपने नोवाफ्लिक्स लॉन्च की, हाँ, तब आपने लोगों को नहीं बताया कि भाई जो मूवीज एक्सेल पे आएंगी वो हम नहीं वहां डालेंगे। फिर आपकी जब कोई ऐप क्रैश हो जाती है तब लोगों, हाँ, के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। ओके, तो अब लोगों ने तो आपको पैसे दिए हैं कि भाई वहां पे हमें अच्छा अच्छा कंटेंट सुनने को मिलेगा, वो पेड, जिन्होंने पेड लिया है वो तो पैसे देके अपनी बात की डिमांड करेंगे। बिल्कुल। अब 6 महीने बाद आप कहते हो कि नहीं नहीं लेटेस्ट मूवी तो हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारा समझौता तो एक्सेल सिनेमा पे हुआ है। तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं है सर? आप भी तो पैसा बना रहे हैं ना एक तरफ से उधर से। चलिए 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 इसको है ना थोड़े अलग तरीके से समझा देता हूँ। सर नोवाफ्लिक्स पे तकरीबन 14-15 हजार सब्सक्राइब यूजर्स हैं, ठीक है जी। और खैर इसमें से चाहे पेड चाहे स्पॉन्सर्ड, ठीक है जी, अगर आप गुना भी कर लेंगे, ठीक है, तो 15,000 × 300 कर लीजिए, ठीक है, 4.5 लाख रुपए के आसपास होता है, 45 लाख आई थिंक। एक मिनट, 15,000 × 300 45 के आसपास होता है, ठीक है। इस सर्वर नोवाफ्लिक्स के ऊपर सिर्फ सर्वर का कॉस्ट, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट, वो पिछले 6 महीने का तकरीबन $20,000, ठीक है। ये क्रिएशन का नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है सर्वर। क्रिएशन का हर एक पिक्चर जो 2.5 लाख में बनती है, मान लीजिए कि ₹1,00,000 में भी बच जाती होगी नोवा, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, कम अंडरपेड भी होंगे। सर 400 मूवी है, ₹4 करोड़, ठीक है, उसके ऊपर से नोवाफ्लिक्स जो है ना सर, उस पे कैसे मूवी आती है? अगर आपको लगता है कि क्या इस पे नई मूवी आ सकती है, और नई मूवी या इतनी मूवी जो आई हुई है, ये 300-400 मूवीज जो है इसके ऊपर, वो ऐसे ही आ जाएंगी? सर अगर राइट्स लेने जाते ना, एक भी मूवी नहीं आ, कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपको राइट्स नहीं देता। ये तो सुगम पुस्तकालय जिस लॉ से चलता है, कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012, कि अगर कोई कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है तो एक फाउंडेशन उसको बना सकती है एक्सेसिबल फॉर द लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी। उस थियरी और उसके ऊपर ये बेस्ड पूरा एप्लीकेशन। अगर ये सारे का परमिशन लेने जाते हैं तब तो छोड़ दीजिए सर, 400 क्या, 4 मूवी नहीं होती नोवाफ्लिक्स पे, कोई तैयारी नहीं होता, सबको लगता पता नहीं कितने करोड़ों कमाया जा रहा है यहाँ। सर अब नेटफ्लिक्स ने कितना पैसा लगाया और उनके क्या चैलेंजेस है वो जाने, वो मेरे से ₹150 मांगते हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना। आपने एक सब्सक्राइबर से जितने पैसे मांगे वो आपकी इच्छा थी, 300-350, बैकग्राउंड क्या स्टोरी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है जब आप किसी को ये सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं तो उनको क्लियर कट बताया है, ये आपको है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप नोवाफ्लिक्स के टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे उसमें काफी क्लियर है कि द मूवी विच इज मेड एक्सेसिबल बाय द प्रोडक्शन हाउसेस विल नॉट बी अवेलेबल ऑन नोवाफ्लिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं नई मूवी नहीं है, सर देवरा अभी रिलीज हुई है, कितने दिन हुए देवरा को रिलीज हुए, ऑलरेडी प्रोडक्शन में है सर नोवाफ्लिक्स। अभी आपको आने वाली है कल की चंदू चैंपियन,
क्योंकि चंदू चैंपियन अमेज़न प्राइम पे एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए 3-3.5 महीने से आपकी iOS ऐप नहीं चल रही, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं आई, फिर बेटा वर्जन दिया जा रहा है, दोबारा इंस्टॉल किया जा रहा है। हाँ, अब iOS वर्जन के साथ एक इशू है, क्या है कि iOS सर, इशू सिर्फ इतना सा है कि अपने यूजर को इन्फॉर्म तो कीजिए सर, यूजर को ये बात पता है तभी वो बीटा वर्जन ले रहे हैं, वो एक एक करके जा रहा है सर आपके पास, उसको नहीं पता, परेशान सर। यहाँ आप सही हो और यहाँ आप सही हो, क्योंकि नोवा फ्लिक्स में क्या हुआ कि जिस समय iOS वर्जन का अपडेट डाला गया, iOS ने अप्रूव ही नहीं, और अप्रूव क्यों नहीं किया, बोल रहे हैं एप्पल पे लगाओ, एप्पल पे के बिना हम अप्रूव नहीं करेंगे। अब क्या चक्कर है, दो तरीके से एप्लीकेशन आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स भी जो है आपसे पेमेंट नहीं लेता है, वहां पे iOS में आपको रीडायरेक्ट करता है अपने वेबसाइट पे, उसको बोलते हैं रीडर ऐप। रीडर ऐप में अप्रूवल एप्पल देता है और नहीं देता है कि पेमेंट नहीं लिया जा रहा, क्यों, क्योंकि वो सीधा 30% एप्पल पे काट लेता है, लेते के साथ ही काट लेता, तो एक अलग ही समस्या है वो। उसके ऊपर से जो पेमेंट गेटवे है सर, हम तो ऐप बना दिए, हमारे पे कोई रोज की तरह से ट्रांजैक्शन करोड़ों हजारों की तो नहीं हो रही, उसके बाद क्या दिक्कत हो रही, पिछले बार तो पेमेंट गेटवे के इतने इश्यूज हो गए, एक्सेसिबल नहीं है, अब जाकर के रेजर पे लगा है, उसके अंदर रेजर पे लगा है, रेजर पे में भी एक बग आ गया, वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि बग उनके साइड है, फाइनली जाकर के प्रूव किया सर, अलग अलग चैलेंजेस है, रोज के चैलेंजेस, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और ये और भी जो इस तरह के चैलेंजेस हैं, इसके लिए चाहिए डेडिकेटेड टीम। यहाँ पे क्या है, श्रमदान पे काम चल रहा है। आप जो ये समझ रहे हो ना सर, हमने कंटेंट में रोका रोकी नहीं की, हमारा प्लान क्या है, अभी अगले 3-4 महीनों में नोवाफ्लिक्स में 150 कंटेंट और आएगी, एक साथ हम वर्क कर रहे हैं किसी चीज, जिन लोगों की शिकवा है हमें पता है, और हम उसको हम बोलते हैं, हम क्या बातों से क्या शिकवा दूर करें, काम से दूर कर देंगे ना, बिल्कुल यही चाहते हैं सर, देंगे 150 कंटेंट तो खुश हो जाएंगे ना वो, चलो जी दिया इन्होंने। ऐसे हर वीक एक आती है, एक मूवी रिलीज होती है हर वीक जी, और वेब सीरीज कुछ दिनों से नहीं हुई है रिलीज, ठीक है, उस पे भी काम चल रहा है, और हमारा यही काम चल रहा है कि हम मल्टी लैंग्वेज भी जाएं और सारे लैंग्वेजेस को भी एड्रेस करें। लेकिन सर आप ये समझो ना, कितना पैसा खुद का लगा, ऊपर से क्या रूल्स भी तो ऐसे ऐसे हैं, CSR भी आसानी से नहीं मिलती, अभी हम सिर्फ NGO से CSR ले सकते हैं या फंड ले सकते हैं, कंपनी से तो डायरेक्टली हमें मिल ही नहीं रही है, क्योंकि 3 साल का एक लॉ लगा हुआ है। सर लोग कह रहे हैं आप करोड़पति बन गए, आप कह रहे हो खुद से पैसा लगाए। सर पता नहीं सर, अगर मैं करोड़पति इससे बन जाता, ऐसे मैं करोड़पति हूं सर, पर दूसरी चीजों से, ठीक है। अगर नोवाफ्लिक्स से 1 रुपए या तो दीप्ति के अकाउंट में गया हो या मेरे अकाउंट में आया, ठीक है, तब आपकी इल्जाम को मैं तब भी मान लूंगा कि मेरे लिए वो 1 रुपए 1 करोड़ के बराबर। सर आज तक 1 रुपए नहीं आया हमारे पास, और अभी भी अकाउंट में निगेटिव ही चल रहा है जो हमारे पैसे डाले हुए, और श्रमदान चलता है। मुझे सारी बैकग्राउंड स्टोरी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं ताकि एक्चुअली क्या है कि इंडिया में कहते हैं ना कि अगर कुछ नहीं है तो चलो क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ तो चाहिए कुछ करने के लिए, तो इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि ये बातें लोगों को पता चले कि इसमें कितनी एफर्ट लगती है, क्या रियलिटी है और कितना लगता है, क्योंकि हर NGO को लोग आजकल यही टारगेट करते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि इतना ही आसान है सब कुछ, तो 2-4 हजार रुपए ही तो लगता है रजिस्टर करने में ट्रस्ट, तो आ जाओ मार्केट में, फिर 10 रुपए इकट्ठे करो, पता लगेगा 10 रुपए की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है, ऊपर से सर CSR आपको पता ही है, 3 इयर्स वाला वो एक लगा हुआ रहता है जी, फाउंडेशन के 3 साल होंगे तभी वो CSR उसके पैसे दे सकता है। हम इसलिए एक और NGO का रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली पुरानी NGO को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने साथ, पहले एक किया हुआ था GNF, उस पे ऑब्जेक्शंस आ गए कि नहीं आपका नाम अलग है, GNF अलग है, GNF और आप अलग अलग नहीं हो सकते हो। हम बोले यार लो यार एक और रजिस्ट्रेशन कर लो। अब पुरानी क्लीन NGO है नहीं है, पता नहीं कौन सी लाइबिलिटी लेकर के बैठा हुआ है, क्या चक्कर है, क्या सेम फील्ड में काम कर रहा था नहीं कर रहा सर, वो अलग अलग झंझट। चलिए सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई थिंक हमने हर एस्पेक्ट को कवर किया है, और क्रिटिसिज्म एक साइड पे है, क्रेडिट एक साइड पे है, लेकिन कम्युनिटी में मुझे नहीं लगता कोई एक शख्स ऐसा होगा जो कहेगा कि आपने उनकी लाइफ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को इम्पावर
नहीं किया है और आपने हर आदमी की जिंदगी में आपने एंटरटेनमेंट भरा है और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। नए इनोवेशंस आपकी आई हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं, मजा नहीं आया सर, तो आगे इसकी फाइट कंटिन्यू होगी और एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन हमें मिलेगा ताकि हम बेधड़क होके हर मूवी को एंजॉय कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी भी उम्मीद यही है कि कम्युनिटी अपने राइट्स को पहचाने की, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। रजा क्या है, बिल्कुल। वो आप ही लड़ाई आपको आपकी अपनी लड़नी है, हम तो साथ दे सकते हैं। तो क्या कम्युनिटी से एक्सपेक्टेशन रहेगा जाते जाते आपको, और क्या मैसेज रहेगा? तो मैसेज यही रहेगा कि अपने राइट्स को समझो। यू आर और आज के डेट में गवर्नमेंट ने कवर किया हुआ है, आप अपनी हक की लड़ाई, साडा हक इत्थे रख, हम किसी के सामने और आप किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, इज्जत से जिए हैं। नहीं होगा कोई सर, कुछ प्रोडक्शन हाउस बॉयकॉट भी करेंगे मेरे को इसके बाद, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो, पर गलत न करूंगा, न सहूंगा, न करने दूंगा। ये तीन चीजें बहुत क्लियर है, यथाशक्ति मैं लड़ूंगा, बात खत्म। हम आपके साथ हैं सर इस लड़ाई में, जहां जहां हमारा योगदान होगा तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सर। तो आज हमने बात की एक्सेल सिनेमा के को-फाउंडर कुणाल जी से, डिटेल में जाना जो मूवीज को एक्सेसिबल करने वाली गाइडलाइंस हैं, सरल भाषा में क्या उसके लूपहोल्स हैं, कैसे वो हमें इम्पैक्ट करती हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, और नोवाफ्लिक्स से रिलेटेड भी सवाल पूछे। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। आप भी अपनी वॉइस को रेज करें, अगर आपको आप ईमेल लिखें सीएफसी को, प्रोडक्शन हाउसेस को, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करें ताकि एक सॉलिड सोल्यूशन हम सबको मिल सके, जिसमें हमारे पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो कि हमें कहाँ जाना है, हम अपनी चॉइस से नहीं जा सकते, ऐसी चीजें हम टॉलरेट ना करें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और शो में, किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और मुद्दे पे। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। नोवाफ्लिक्स, एन एक्सेसिबल ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें नोवाफ्लिक्स प्ले स्टोर से। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPETP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता, और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले, NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303-944-839 पर, या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826267
1166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 0807117515। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udaan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in.